Okay, a very good morning to all of you. All everyone attending anywhere, centers पे, घरों में, सोफे पे, बेड पे, क्या बालकनी में, मैदान में, टेरेस पे, क्लासरूम्स में, जहाँ पर भी आप हो, a very good morning. Hope everyone is doing well. Hope everyone is studying. More than anything important, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ पर भी आप हो. We are expecting गुड रिजल्ट दिस ईयर, क्योंकि हम लोग इतने सारे डाइवर्स चीज़ें कर रहे हैं. रेगुलर कोर्स चल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो दूसरी बार सेम कोर्स अटेंड कर रहे हैं. फिर बूस्टर सीरीज चालू है, अकाउंट्स का तेजस सर एडिशनल लेक्चर्स ले रहे हैं, आकाश सर एडिशनल लेक्चर्स ले रहे हैं. BCKK के चार चैप्टर्स पढ़ के उसका रिविजन और ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग हो गया है. BCR हम लोग लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना. ऐसा किधर होता नहीं इतना लिखने का प्रैक्टिस होता है. मैथ्स का तो हमको बोलने का जरूरत ही नहीं, आपका मैथ्स तो ऑल ओवर इंडिया फेमस है, अपना मैथ्स तो वो तो कोई टॉपिक ही नहीं है. सो वी एक्सपेक्ट विथ सच अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी दिस ईयर, वी आर एक्सपेक्टिंग अ फैंटास्टिक रिजल्ट फॉर डिसंबर. ऑल्सो द मे अटेम्प्ट, मे अटेम्प्ट वाले भी काफ़ी बच्चे बैठे. मे अटेम्प्ट वालों ने तो 350-400 मार्क्स से पास होना चाहिए, उससे कम आना ही नहीं चाहिए. इतना पढ़ाई करे, दो दो बार सिलेबस हो गया यार, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, लॉ का तुम्हारा, बराबर है. इतना पढ़ाई होने के बाद, इतना प्रैक्टिस होने के बाद, फिर परफॉर्मेंस हार्डली मैटर्स, क्योंकि प्रैक्टिस ही इतना अच्छा हो चुका है हमारा, राइट. सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट लेट अस स्टार्ट. कल हम लोगों ने मीटिंग्स ये टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें पहला वाला हमने टॉपिक देखा था, वो था एजेंडा फॉर मीटिंग. बेसिकली वी वर सेटिंग अप द जस्ट अ मिनट, टाइप बटन चालू करा प्लीज, क्या फिर मेरे लाइव स्ट्रीम वालों को मैं थोड़ा ज्यादा गोरा दिखेगा ना, इसलिए हम जैसे काले लोगों के लिए ऐसा लाइट वेट जरूर रहता है. तेरे दो तीन फोटो है मेरे पास, मैं डाल देगा सब जगह पे, ठीक है, नो वरीज. क्या था विषय, हम लोग एजेंडा देख चुके हैं, जहां पर हम लोग सेटअप कर रहे थे कि हम लोग एक्चुअली मीटिंग में करने क्या वाले हैं. फॉर everyone involved इन द मीटिंग इट was important टू टेल them कि मीटिंग कब होने वाला है, कहां पर होने वाला है, कितने बजे होने वाला है, किस टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है, ऑब्जेक्टिव फॉर द मीटिंग, किन किन लोगों को क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई है, कौन कौन लोग आने वाले हैं, प्लस उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर द मीटिंग, उनको क्या मुद्दे पे बात करना है, उनको कौन से रिपोर्ट्स लेकर आना है मीटिंग के अंदर. फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस हो सकता है कभी कभी मीटिंग के अंदर, तो उसके लिए टाइम पूरा टाइम फ्रेम बना के रखा हुआ कि मीटिंग इतने बजे चालू होगा, इतने लोगों को बोलना है, इन इन टॉपिक्स पे बोलना है, इतने समय के लिए बोलना है, ये पहले से हमने डिसाइड करके रखा हुआ है. कौन मीटिंग कन्वीन कर रहा है, कौन रिकॉर्ड कर रहा है मीटिंग, वो और डेट, ये एजेंडा फॉर द मीटिंग विच इज प्रिपेयर्ड बिफोर द मीटिंग, यस और नो. अपन ने कल शाम को सबको बुला लिया मीटिंग के लिए, अपन ने डाल दिया कि बाबा कल शाम को आओ, अपने को गोवा का प्लान बनाने का है, उसके लिए अपन मीटिंग कर रहे हैं. स्पॉट किधर है, नीचे किधर, गली मोहल्ले में, पेड़ के नीचे, तुम्हारा और तो कोई अच्छी जगह रहेंगी नहीं जिंदगी में बैठने के लिए. तो दिस इज द एजेंडा फॉर द मीटिंग. नाउ मीटिंग हो चुका है, मीटिंग के अंदर वेरियस टॉपिक्स के ऊपर बातें होती है. ऑलमोस्ट ऑल द कम्युनिकेशन विच हैपेंस इन अ मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहां पर कोई अपना ओपिनियन रखता है, वहां पर कोई अपने काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है, यस और नो. कोई टारगेट्स रख रहा है, कोई टारगेट्स ले रहा है, कोई डेडलाइन दे रहा है. जैसे मैंने आपको डेडलाइन दिया कि आज शाम तक खत्म होना चाहिए, दिस इज गिविंग अ डेडलाइन टू अ डिपार्टमेंट. समटाइम्स अ डिपार्टमेंट टेक्स अप अ डेडलाइन कि सर आज रात तक मेरा BCK पूरा खत्म हो जाएगा, लिख के दे बाबा, झूठे तेरे वादे, झूठी है तेरी कसम, लिख के दे. सिंपल बात है, ऑर्गेनाइजेशन में ये जो भी मीटिंग्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इट इज ह्यूमनली पॉसिबल कि वी माइट फॉरगेट क्या बातें हुई थी मीटिंग के अंदर. इट इज पॉसिबल वी माइट डिनाई, मैंने ऐसा बोला ही नहीं. इट इज पॉसिबल मीटिंग के अंदर जो बात हो रही है हर आदमी अपने अपने तरह से उसका अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन ले रहा है, यस और नो. सब अपने तरफ से अपने तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ऐसा मैं कर रहा हूं तो किसी को लग रहा है सर हाय बोल रहे हैं, कोई बाहर से चला गया सर ने बोला बाय आज लेक्चर नहीं है. इंटरप्रिटेशन में वेरी, ऑर्गेनाइजेशन में ये मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए वो सिखा रहे इंस्टीट्यूट हमको, क्योंकि इन फ्यू इयर्स टाइम वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट मीटिंग. आइदर हमको कोई बुलाने वाला है या हम किसी को बुलाने वाले हैं, आइदर वेज वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट मीटिंग. सो वी शुड अंडरस्टैंड कि डॉक्यूमेंट्स क्या बनते हैं और वो क्यों बन रहे हैं, मिनट ऑफ मीटिंग क्यों बन रहा है वो समझना जरूरी है. इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे बन रहे हैं मीटिंग के अंदर, बातें हो रही है, तो उनको रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है.
क्योंकि कुछ समय बाद वी हैव टू गो बैक टू दिस डॉक्यूमेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने डिसाइड किया था कि 6 तारीख तक हमारा इतना टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। तो हम लोग 2 तारीख को बैठकर देख रहे हैं या 10 तारीख को बैठकर देख रहे हैं कि 6 तारीख तक हमने उतना काम किया था या होने वाला था या नहीं होने वाला था। यह रिकॉर्ड किधर था? 6 तारीख तक होना चाहिए, यह हमारे मिनट्स ऑफ मीटिंग में था। अभी पूरा मीटिंग तो रिकॉर्ड करते बैठ नहीं सकते अपन, लेकिन उसके मिनट्स, उसकी बारीकियां, उसके इंपॉर्टेंट मुद्दे, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस, ये हमको रिकॉर्ड करना। इंपॉर्टेंट ओपिनियंस कि भाई करण सर का बोलना था कि इस डिपार्टमेंट को 10 रुपये ज़्यादा अलॉट किए जाए, हमने डिसाइड लिया कि हम लोग 15 रुपये अलॉट करने वाले, तो करण सर वाला ओपिनियन भी और 15 रुपये वाला डिसीजन भी, ये रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दिस इज डॉक्यूमेंटेड इन सम फॉर्मेट जिसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये समझ में आया है सब लोगों को? मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, बेसिकली क्यों है मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये समझ में आया है? यहां तक किसी को डाउट है क्या? जैसे कल हम लोगों ने एक एजेंडा फॉर द मीटिंग प्रिपेयर किया था, एजेंडा क्या था? वहां पर सिलेबस चेंज करना था इंग्लिश और अकाउंट्स का, याद आ रहा है क्या? वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन यस्टरडे। हम लोगों ने एक एजेंडा प्रिपेयर किया था कि एज अ डीन कमल कपूर अंकल इज कन्वीनिंग अ मीटिंग, जहां पर स्वाति मैडम जो है वो मीटिंग कॉल कर रही थी ऑन बिहाफ ऑफ कमल अंकल। मीटिंग का मुद्दा क्या था कि देयर इज गोइंग टू बी, वी आर सपोज टू, या वी नीड टू चेंज द सिलेबस ऑफ अकाउंट्स एंड इंग्लिश। यहां पर स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे भाई? सब्जेक्ट टीचर्स थे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे, हमारे पब्लिकेशन टीम थे, हमारे स्टूडेंट्स थे, कमल अंकल थे, उसके स्टाफ थे, सेक्रेटरी थी उसकी, स्वाति मैडम थे। ये इतने सारे लोगों को हमने बुलाया था दोपहर को 2 बजे हमारे मीटिंग रूम में। एजेंडा फिक्स था कि वी नीड टू चेंज द सिलेबस, उसके ऊपर सब अपने अपना ओपिनियन देने वाले थे, अपने अपने सजेशंस देने वाले थे, और हम लोग डेडलाइन डिसाइड करने वाले थे कि 2 महीने में ये होना चाहिए, 6 महीने में ये होना चाहिए, अगले एकेडमिक ईयर में हमारा मटेरियल, प्रिंटिंग मटेरियल रेडी होना चाहिए, हमारा सिलेबस प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हम ये नया सिलेबस अप्लाई करने वाले अगले एकेडमिक ईयर में या अगले सेमिस्टर में, येस और नो? अभी वो मीटिंग हो गया है, अभी वो मीटिंग हो गया है। मीटिंग के अंदर स्वाति मैडम बैठी हुई है, रिकॉर्डिंग कर रही है, जूनियर है, सुपरवाइजर है या सेक्रेटरी है, येस और नो? She is writing down the minutes of the meeting. Meeting के बाद वो प्रिपेयर कर रही है कि आज किसने क्या क्या बातें की है। हमने एजेंडा में अलॉट करके रखा हुआ था कौन स्पीकर कौन से मुद्दे के ऊपर बात करने वाला है, येस और नो? फिर मीटिंग कमिटी ने क्या क्या डिसाइड किया, क्या क्या डेडलाइंस रखे हुए, येस और नो, किसके क्या क्या सजेशन थे, वो हमको डॉक्यूमेंट में बनाना है। दिस इज नथिंग बट आवर मिनट्स ऑफ मीटिंग। कल ही के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने वाले हैं। ये समझ में आया सबको? अभी ध्यान देंगे सब लोग, कोई भी गड़बड़ करने वाला नहीं है। छोटा सा फॉर्मेट देखेंगे, ये जो भी यहाँ पर हमारे मॉड्यूल में मिनट्स ऑफ मीटिंग आपके एजेंडा के नीचे ही कंटिन्यू किया गया है, बहुत सारा उसके अंदर थियोरी दिया गया है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, किस लिए लिखे जाते हैं, जो मैंने शॉर्ट में आप लोग को समझाया है। ये सब हमको इतना ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर नीड फॉर प्रिपेयरिंग मिनट्स, वेरियस पार्टिसिपेंट्स में हैव डिफरेंट रिकलेक्शंस ऑफ द मीटिंग, किसी को कुछ याद है, किसी को कुछ याद है, किसी को थोड़ा याद है, किसी को ज़्यादा याद है, येस और नो? अभी मेरे जैसे को ज़्यादा याद नहीं रहेगा, याददाश्त इतना अपना अच्छा नहीं है। आकाश सर जैसे को सब याद है, हर बारीक बात याद है, येस? तो हर आदमी का अपना मेमोरी है, नॉट रिलाइंग ऑन द मेमोरी, तो उसका फिर इलाज क्या रहता है? उसका इलाज रहता है डॉक्यूमेंट एनी एंड एवरीथिंग। तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेते कि नहीं रख लेते? क्यों रखते तुम? बाद में सामने वाले ने मना कर दिया, बाबा बक तू सांगितली होती। वी आर डॉक्यूमेंटिंग द कम्युनिकेशन सो दैट वी कैन गो बैक टू द कम्युनिकेशन। सिंपल है क्या? नहीं है, वही चीज है यहां पर, अनऑफिशियल काम है, ये ऑफिशियल काम है। डाइवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शन प्लान पॉसिबल, आपका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग बन सकता है। इंपॉर्टेंट टास्क कैन बी फॉरगॉटन, डेट ऑफ सबमिशंस, एक्शन प्लान, रिपोर्ट एक्सेट्रा माइट बी ओवरलुक। 6 तारीख का डेट अपन ने डिसाइड किया था, भूल गए, ध्यान नहीं दिया किसी को, 10 तारीख हो गया, 12 तारीख हो गया, 15 तारीख हो गया, कुछ एक्शन लिया नहीं गया है, या जहाँ तक होना चाहिए था वो नहीं हुआ गया। और रिटर्न रिकॉर्ड इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर रेडी रेफरेंस, वी हैव अ डॉक्यूमेंट विच इज अवेलेबल। कभी भी कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड, कभी भी चेंज ऑफ सिलेबस के बारे में डिस्कशन होता है, तो वी हैव दैट मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर्ड कि हाँ बाबा इसमें ये बात हुआ था। सर आप मना नहीं कर सकते, आपने ये लिख कर दिया था, आपने ये बोला था, सर आप ही के डिपार्टमेंट ने बोला था कि हम जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, चेंज हो जाता है, हम 2 महीने के अंदर प्रिंटिंग करके दे देंगे। दिस इज रिटन ओवर हियर, यू हैव प्रॉमिस्ड कि आपने बोला हुआ है ये चीज़, डेडलाइन डिसाइड किया हुआ है, तो वी हैव अ रेडी रेफरेंस ऑलवेज अवेलेबल। यूज्ड एज रिमाइंडर्स कैन बी रिक्वायर्ड फॉर
लीगल रीजंस, समझ में आया सबको? तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, बेसिक फॉर्मेट देखेंगे हम लोग। एक फॉर्मेट बता देता हूँ, फिर कल वाला एजेंडा को ही हम लोग आज मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने वाले हैं। एकदम सिंपल फॉर्मेट है, एजेंडा के साथ ही आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग भी लिखने के लिए आ सकता है सेम क्वेश्चन में। ध्यान देंगे यहां पर, मिनट्स ऑफ मीटिंग आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका फॉर्मेट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले डेट ऑफ मीटिंग लिखेंगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल आज का डेट है 7 अक्टूबर 2021, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। मॉड्यूल में दो तीन फॉर्मेट दिए गए, हम लोग इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, कोई इश्यू नहीं है, यूनिवर्सल फॉर्मेट है ये। डेट ऑफ मीटिंग, ये डेट ऑफ मीटिंग है, इस डेट को हमारा मीटिंग हुआ था, यस, ये याद रखने का है। फिर उसके बाद लोकेशन, लोकेशन क्या था हमारा, लोकेशन किधर से मिलेगा हमको, एजेंडा में लिखा हुआ था कि नहीं लोकेशन, वही लोकेशन। टाइम, आपने 9 AM का टाइम लिखा हुआ है अगर, तो टाइम ऑफ द मीटिंग, मतलब ये एविडेंस है कि मीटिंग कितनी तारीख को हुआ था, कहां पर हुआ था, कितने बजे हुआ था, यस yes? ये चीज रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है? yes. फिर उसके बाद पीपल प्रेजेंट, या हम लोग एक और टर्म यूज कर सकते हैं अटेंडीज। अटेंडीज मतलब जो अटेंड कर रहे थे मीटिंग। तो उस मीटिंग में कौन कौन थे? मिस्टर कमल कपूर, फिर जो सब्जेक्ट टीचर्स थे उनके नाम, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे उनके नाम, पब्लिकेशन हाउस वाले अंकल थे दो तीन उनके नाम, तो वो सारी की सारी लिस्ट ऑफ पीपल प्रेजेंट यहां पर आने वाला है कॉमा डाल डाल के। दीज वर द पीपल प्रेजेंट इन द मीटिंग, ये लिखना बहुत जरूरी है, ये हमको भूलना नहीं है, क्योंकि वो सारे लोग प्रेजेंट है, दे आर विटनेस टू व्हाट एवर हैज हैपेंड इन द मीटिंग, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो जो भी लोग 6 लोग 7 लोग जो मीटिंग में प्रेजेंट थे, हाइपोथेटिकली अपने को क्रिएट करना है और उनके नाम यहां पर लिखने हैं। डायरेक्टली नाम लिख दिया तो भी चलेगा, डेजिग्नेशन डालना कॉमा डाल डाल के काम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? यहां तक किसी को डाउट है? मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? डेट, डेट ये वर्ड लिखेंगे, सामने डेट लिखेंगे, उसके नीचे लोकेशन, कहां पर मीटिंग हुआ था, उसके प्लेस वर्ड डाल दो या लोकेशन डाल दो, एक ही बात है। उसके नीचे टाइम ऑफ मीटिंग, भाई 9 AM to 2 PM फॉर एग्जाम्पल, या सिर्फ 9 AM चलेगा, मीटिंग अपना 9 AM स्टार्ट होता है, या 9 to 2 PM सॉरी, ये लिख सकते। उसके नीचे पीपल प्रेजेंट ये वर्ड, या अटेंडीज ये वर्ड, हमारे मॉड्यूल में बहुत जगह पर अटेंडीज ये वर्ड यूज किया गया है। याद रहता है नहीं रहता है, स्पेलिंग याद आता है नहीं आता है, इसलिए पीपल प्रेजेंट लिखा, पर्सन प्रेजेंट लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आया? अभी अपन ने मीटिंग का एजेंडा डिसाइड करके रखा हुआ था, चेंज इन सिलेबस यस और नो, वो उस मीटिंग का मुद्दा, उस मीटिंग का विषय था क्या नहीं था, मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी वो आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग एक लाइन छोड़कर लिखेंगे एजेंडा, एजेंडा ऑफ द मीटिंग क्या था, चेंज इन सिलेबस ऑफ अकाउंट्स एंड इंग्लिश, ये हमारा एजेंडा फॉर द मीटिंग था क्या नहीं था, ये हम लोग मेंशन करेंगे हमारे फॉर्मेट के अंदर। एजेंडा लिखना जरूरी है, मीटिंग किस विषय पर लिया गया था, क्यों लिया गया था, मिनट्स ऑफ मीटिंग में वो बताना जरूरी है हमको। मिनट्स ऑफ मीटिंग ये डॉक्यूमेंट मीटिंग के बाद बनने वाला है, तो मीटिंग के बाद कोई देखने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप सब लोगों ने मीटिंग कर लिया, मीटिंग में क्या हुआ, अभी मैं ओनर हूं, डायरेक्टर हूं ऑर्गेनाइजेशन का, मीटिंग में क्या हुआ ये मुझे जानना है, तो ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने आएगा, ये पढ़कर मुझे सब समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दिस इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द मीटिंग, कहां पर हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन लोग थे, किसने क्या क्या राय रखी, क्या क्या डिसाइड किया कमिटी ने, वो सब उस डॉक्यूमेंट में आ गया। सो आई नीड नॉट टॉक टू एनीवन, ये मैडम को कुछ याद रहेगा, ये मैडम को कुछ याद रहेगा, ये मैडम कुछ और दूसरा बात बोलेगी मुझे, वो मैडम कुछ और बात बोलकर चली जाएगी कि यार सर मेहनत को तो समझ में नहीं आया क्या हुआ मीटिंग के अंदर, या मुझे याद नहीं। तो दिस इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच इज द रिकॉर्ड ऑफ द एंटायर मीटिंग, राइट।
ये फॉर्मेट समझ में, यहां तक मेन फॉर्मेट था हमारा। सबसे पहले था हमारा डेट, प्लेस, टाइम, पीपल प्रेजेंट या अटेंडीज, और उसके बाद एजेंडा। ये भूलने का नहीं है। एक हर एक पॉइंट के बाद आप लाइन छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। पेपर नीट एंड टाइडी दिखने के लिए एक लाइन छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजेंडा के बाद भी एक लाइन छोड़ दो। फिर यहां पर हमारा एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मीटिंग स्टार्ट हो जाता है, जहां पर हम लोग बुलेट पॉइंट या पॉइंट वाइज मीटिंग में किसने क्या क्या बोला है वो बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद रहेगा आपके एजेंडा में पहला स्पीकर ने इंट्रोडक्शन दिया था, यस और नो, तो यार मिस्टर या मिस या जो भी मिस्टर एक्स वाई जी गेव एन इंट्रोडक्शन ऑन द टॉपिक कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, या गेव एन इंट्रोडक्शन कि व्हाई द मीटिंग इज बीइंग कॉल्ड। फिर उसके बाद एक बंदा था हु ही और शी वाज हाइलाइटिंग प्रॉब्लम्स इन द करंट सिलेबस, यस और नो। फिर स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बताया कि आज के जमाने का रिक्वायरमेंट क्या है एक सेंटेंस के अंदर। All of this in one sentence each. हर चीज एक सेंटेंस में, हर स्पीकर ने क्या क्या बात बोला है वो एक एक सेंटेंस में सबकी बातें यहां पर आने वाली है। किसने क्या प्रॉमिस किया, किसने क्या हाईलाइट किया, किसने क्या प्रॉब्लम बताया, किसने क्या ओपिनियन रखा है कि मिस्टर कमल कपूर वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट वी नीड टू मीट आफ्टर 6 months अगेन या आफ्टर 3 months अगेन या वी नीड मोर पीपल in we need to get in another team of people and another team of experts to help us out. तो जो भी बातें यहां पर हो रही है, जो भी एक एक person आपको बोल रहा है उसकी एक एक sentence आपको यहां पर लिखना है, एकदम simple। विषय already हमारे पास है, question के अंदर कौन कौन लोग आने वाले हैं already हमारे पास है, agenda के अंदर हमने already set किया हुआ है, उसी चीज को यहां पर अपने को ये imagine करना है कि ये meeting हो चुका है। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने आज के जमाने का रिक्वायरमेंट बता दिया है, जो टीचर्स थे उन्होंने प्रॉब्लम बता दिया है, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि बाहर क्या चल रहा है उसको अप्लाई करना है, जो पब्लिकेशन थे ऑब्वियसली वो टाइम मांगने वाले कि हमको 2-3 महीना लगने वाला है नया स्टडी मटेरियल बनाने के लिए। फिर मिस्टर कमल कपूर है वो क्या करने वाले, क्वेश्चन आंसर सेशन ऑर्गेनाइज करने वाले और एंड में वो डेडलाइंस वगैरह सब डिसाइड करने वाले कि ठीक है भाई आप इतना महीना लो, आप इतने दिन लो, आप इतने दिन लो, ये कमल कपूर सर बोलेंगे। फिर स्वाति मैडम है वो भी मीटिंग में बैठी है तो उसने वोट ऑफ थैंक्स दे दिया, यस और नो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो दिस बिकम्स योर मिनट्स ऑफ मीटिंग, क्या क्या विषय पर बात की, किसने क्या प्रॉब्लम्स हाईलाइट की, किसने क्या सॉल्यूशन दिए, किसने क्या डेडलाइन मांगी या दी, लास्ट में क्या डिसीजन लिया गया, वो सब चीजें यहाँ मिनट्स के अंदर एक एक पॉइंट हम लोग बुलेट पॉइंट वाइज या पॉइंट वाइज दे सकते हैं। ये समझ में आया, लास्ट में आप लिख दो कि क्वेश्चन आंसर सेशन वॉज हेल्ड, फिर उसके बाद डेडलाइंस या टारगेट्स वर डिसाइडेड, और फिर एक और पॉइंट लास्ट में एक्ट। ध्यान से देखो, यहां पर हम मीटिंग में मिल गए, हमने बहुत सारे मुद्दे डिस्कस कर लिए, हमने टारगेट्स रख लिए, डिसाइड कर लिया कि हम इस तरीके से काम करेंगे। नाउ वी नीड अ फॉलो अप ऑफ दिस, यस और नो। मीटिंग में डिसाइड जो हुआ था वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, कंप्लीट होने की बात नहीं कर रहा हूं, वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है वो हमको मॉनिटर करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। तो एज अ कमिटी जो भी मेंबर्स है मीटिंग के अंदर वो डिसाइड करते हैं कि एक्शन टेकन रिपोर्ट टू बी प्रेजेंटेड बाय, फॉर एग्जांपल आज 21-7 तारीख है, बाय 20, बाय 25, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय सो एंड सो डेट। मतलब हम लोग अभी इतने दिन के बाद ही मिलने वाले हैं, ये जो भी मुद्दे यहां पर रखे गए हैं, जो भी सॉल्यूशन निकाला गया है, जो भी टारगेट्स रखे गए वो हम लोग उस ट्रैक पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं वो चेक करने के लिए सेम कमिटी वापस से मिलेगा और वो एक्शन टेकन रिपोर्ट निकालेंगे। भाई स्टूडेंट्स आकर बताएंगे कि हमने पिछले 15 दिन में क्या काम किया, सब्जेक्ट टीचर्स आकर बताएंगे हमने क्या क्या एक्शन ले लिया है, पब्लिकेशन हाउस बताएगा कि हमारा मटेरियल कितना रेडी हो गया है, ये सब लोग आकर एक्शन टेकन हमने क्या क्या एक्शन लिया इस मुद्दे के ऊपर वो एक वापस एक छोटा सा मीटिंग लेंगे टू एंश्योर कि हमने जो भी डिसाइड किया था इस मीटिंग में वो एज पर द प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये हमेशा हमारा क्लोजर रहेगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय, 15-20 दिन महीना 2 महीने का टाइम दे सकते हैं। ये समझ में आया सबको, यहां तक किसी को डाउट है कुछ भी, पक्का? बहुत बार हमें क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कल हमने क्वेश्चन यूनिवर्सिटी वाला देखा था, जी प्रिपेयर एन एजेंडा फॉर द मीटिंग टू बी
टेकन अप बाय मिस्टर कमल कपूर, तो उसका एजेंडा बनाइए एंड फिर उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बनाइए। कभी कभी हो सकता है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट भी साथ में बना लीजिए। अपने को लग रहा है तीन क्वेश्चन है, लेकिन अगर अपन ध्यान देंगे तो मिनट्स बन जाता है, तो मिनट्स सॉरी एजेंडा बन जाता है, तो उसी के बेसिस पर मिनट्स बनने वाला है, उसी के बेसिस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट बनने वाला है। तो लिखने के लिए एक डेढ़ पेज से ज्यादा कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट है बहुत सारा, सिर्फ हमने को चीजें भरने की है उसके अंदर। तो फाइव में से यहां पर थ्री या फोर मार्क्स स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फॉर्मेट बहुत सिंपल है, एजेंडा का फॉर्मेट एकदम सिंपल है। एजेंडा के फॉर्मेट में सबसे पहले क्या है देखो जरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग, यस और नो, उसके बाद क्या है डेट, उसके बाद एजेंडा चालू हो जाएगा। ये ऊपर की सारी चीजें मिनट्स ऑफ मीटिंग में सेम टू सेम है क्या नहीं है? अभी आपका एजेंडा का मेन टेबल और आपका मिनट्स का मेन राइटअप एक दूसरे से पूरी तरीके से रिलेटेड है क्या नहीं है? कुछ ज्यादा फॉर्मेट लर्न करने जैसा है क्या? दोनों में अपने को एजेंडा लिखना है, मतलब ऑब्जेक्टिव लिखना है। दोनों में हम लोग को टाइम प्लेस लोकेशन डेट सब लिखना है, जो टैबुलर फॉर्मेट एजेंडा में बनेगा कि ये आदमी इस पे बोलेगा, ये आदमी इस पे बोलेगा, इसी का कंटिन्यूएशन इस आदमी ने इस पे बोला। यहां पर फ्यूचर लिख रहे कि बोलेगा, यहां पर पास्ट लिखेंगे कि बोल दिया, सिंपल है क्या नहीं है? कुछ भी डरने का प्रॉब्लम काम है ही नहीं। अगर हमको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हमारे पास टाइम है, बहुत सेफ ऑप्शन है जाने के लिए। मेरे सामने अगर आर्टिकल आता है और एजेंडा मिनट्स ऑफ मीटिंग आता है तो मेरे जैसा आदमी इसके लिए जाएगा, क्योंकि प्रोटोकॉल सेट है, सोचने का नहीं है। बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं मालूम तो तीन चार पॉइंट भी लिख के आ गए अपन, जो फॉर्मेट है उसमें जहां पर अपने को एक्चुअल कंटेंट भरना है, तो भी अपने को ढाई तीन मार्क तो पक्के मिलने ही मिलने हैं। आर्टिकल के अंदर आपको क्रिएट करना है, प्रॉब्लम ओवर हियर इज क्रिएशन, वी आर नॉट गुड एट क्रिएशन। क्रिएट करके फिर भाषा भी बनाने का रहता है, और भी बड़ा प्रॉब्लम है। जहां पर क्रिएशन का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, दैट इज ऑलवेज अ सेफर ऑप्शन। प्रिपरेशन आपको बताएगा कि आपको कौन सा वाला टॉपिक अटेम्प्ट करना है, और प्रिपरेशन में टीचर द्वारा क्लैरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, एक इंग्लिश का टीचर आपको बीसीआर पढ़ा रहा है। अदरवाइज मेरे टीम में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सबका इंग्लिश बहुत अच्छा है, वो आपको इंग्लिश पढ़ाने में बहुत वेल इक्विप्ड है। जो भी चीज हम यहां पर कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हम लोग समझ नहीं, क्योंकि यू हैव अ चॉइस ओवर देयर। लाइफ में प्रॉब्लम जब भी चॉइस आता है खड़ा हो जाता है, इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहने चाहिए। यार मिनट्स ऑफ मीटिंग और एजेंडा एक्चुअली देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। अगर सामने आर्टिकल आ गया है, भाई आर्टिकल का जरूरत ही नहीं है, ये सॉल्व करेंगे ना। सामने रेज्यूमे आ गया, उसका जरूरत नहीं, ये वाला सॉल्व करेंगे ना। एक मिनट डेढ़ मिनट ज्यादा टाइम लगेगा, 100% लगेगा, लेकिन उसमें मार्क्स एक मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस, डेढ़ मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस। इधर मार्क्स कट होने का टॉपिक ही नहीं है ना भाई, हमने चार ही विषय पे बात किया, जरूरी का 10 विषय पे बात करना? चार विषय पे बात किया हमारे मीटिंग के अंदर, हमने चार ही स्पीकर थे हमारे पास, हमको ज्यादा लोग बुलाने के नहीं मीटिंग में। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? हमको बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं भरते बैठना है, क्रिस्टल क्लैरिटी टॉपिक के बारे में होना कि भाई रेज्यूमे क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, एजेंडा क्या है, वो चीज डिसाइड करेगा, वो क्लैरिटी डिसाइड करेगा कि आप चूज क्या करने वाले हो। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक में क्या लिखना होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो लिखने का आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, उसको लिखने के लिए ज्यादा सोचना है या नहीं सोचना है। फिर वहां पर आपके पास हार्डली कुछ सेकेंड्स का टाइम रहेगा डिसाइड करने के लिए। आवर माइंड विल बी अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर इन दैट एग्जामिनेशन हॉल, वो प्रेशर को हैंडल करने के लिए अभी ये लेक्चर लिया जा रहा है। कोर्स कंप्लीट करने के लिए लेक्चर नहीं लिया जा रहा है, ये कोर्स मैं एग्जाम से 10 दिन पहले भी कंप्लीट कर सकता हूँ। फॉर माई यूट्यूब स्टूडेंट्स, फॉर माई यूट्यूब लाइव ऑडियंस, मैं ये आखिरी 10 दिन में पढ़ाने वाला हूँ उनको। उन लोगों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, लेकिन आपके लिए लाइव लेक्चर में ये एडवांटेज है कि आपको वो प्रेशर हैंडलिंग अभी से ट्रेन किया जा रहा है। एग्जैक्टली आपको पता है कि यार ये टॉपिक का रिक्वायरमेंट एक्चुअली इतना है। इफ इट कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, आई नो इफ आई हैव टू चूज इट और आई हैव टू जस्ट रिजेक्ट दैट टॉपिक।
आपको वो हर एक मिनट में एक एक पॉइंट बढ़ाते रहना है अपने साथ में। 40 मार्क के लड़ाई के लिए आपके पास 60-65 मिनट्स है सिर्फ, उसी के अंदर अपने को पूरा बैटिंग करने का है, पूरा मैच जीता के लाने का है। अपने को मालूम है, हाँ ये टॉपिक में इतना लिखने का है, हम कॉन्फिडेंट है, हम वही टॉपिक के लिए जाएं, हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग और एजेंडा के लिए जाने वाले हैं। डेढ़ पेज भी नहीं होगा, अभी आप एक एजेंडा के साथ उसी एजेंडा के ऊपर मीटिंग लिखने वाले हो, नॉट इवन मोर देन वन एंड हाफ पेज इट इज। एक एक लाइन छोड़ रहे हैं इसलिए वो ज्यादा बड़ा लग रहा है, टेबल बना रहे इसलिए ज्यादा बड़ा लग रहा है, कंटिन्यूटी में लिखो तो वो इतना सा भी नहीं होने वाला है, टाइम भी नहीं लग रहा है, सोचना भी नहीं पड़ रहा है। एक टीचर आपको ट्रेन कर रहा है कि आपको सोचने का जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं हो सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अभी हमारा लड़ाई एग्जाम है, एग्जाम पास हो गए तो फिर दुनिया का लड़ाई लड़ने का तुमको अक्कल अपने आप आ जाएगा। यही जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं वही तुमको बाद में लड़ना है ना, ये मेरे दुनिया मेरे लाइफ का तो लड़ाई है ना कि तुमको पास करवाना है, सिंपल बात है क्या नहीं? ये ऑटोमेटिकली मैच्योरिटी अपने को आ जाता है। अभी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का, अपने को सोचने का नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो, क्लैरिटी दिमाग के अंदर, दिमाग को इधर उधर भटकाने का। मार्क ज़करबर्ग का स्टोरी मालूम रहेगा, एक ही टी शर्ट रोज पहनते हैं, एक ही कलर का, एक ही डिजाइन के सारे 100 टी शर्ट ऐसे क्लोजेट में टंगा के रखे हुए, क्यों? एवरी सेकेंड इज मोर देन अ फ्यू करोड़ रुपीज, डिसाइड करते बैठेगा तो उसके तो पैसे वेस्ट हो रहे हैं, येस और नो? वो वाला एनवायरमेंट आपके BCR और लॉ के पेपर में, आपके एग्जाम हॉल में है। जितना ज्यादा थिंकिंग पे जाएंगे उतना टाइम वेस्ट होगा, वी कैनॉट अफोर्ड दैट। दैट इज वाई ये ग्रिलिंग सेशंस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। यस, कल ही वाला मिनट एजेंडा को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी क्वेश्चन को हम लोग आगे मिनट्स ऑफ मीटिंग बताएंगे। आई विल गो बैक टू द क्वेश्चन, ध्यान देंगे यहां पर। कल हमारा क्वेश्चन था, द मैनेजिंग कमिटी ऑफ भारत शिक्षा इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग चेंजेस इन इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी सिलेबस फॉर द फर्स्ट ईयर कोर्स। मिस्टर कमल कपूर द डीन ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज बीन असाइन द टास्क ऑफ कन्वीनिंग अ मीटिंग विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स है आप लोग को पता है। एज कमल कपूर सेट एन एजेंडा फॉर द मीटिंग, कौन कौन क्या क्या बात करने वाले, फिर नीचे यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्म योर सेक्रेटरी मिस स्वाति सिंह टू राइट द मिनट्स ऑफ मीटिंग। अभी यहां पर ध्यान देंगे, अभी एक छोटा सा ट्वीक है सर, छोटा सा चेंज है यहां पे। इन्फॉर्म योर सेक्रेटरी मिस स्वाति सिंह टू राइट द मिनट्स ऑफ मीटिंग। एग्जैक्टली हमको बताया कि मिनट्स ऑफ मीटिंग कौन लिखने वाला है, येस और नो? अभी हमारे फॉर्मेट के पास जाते हैं हम लोग, ध्यान देंगे यहां पे। यहां पर हमने कंक्लूड कर दिया था विद एक्शन टेकन रिपोर्ट टू बी प्रेजेंटेड बाय सो एंड सो डेट, येस और नो? हमको पता है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग कौन प्रिपेयर कर रहा है, कौन कर रहा है? यहां पर हम फॉर्मेट में एंड करेंगे, प्रिपेयर्ड बाय और उसके ऊपर मिस स्वाति सिंह। मिनट्स ऑफ मीटिंग किसने प्रिपेयर किया ये भी डॉक्यूमेंट करना जरूरी है क्या नहीं है, यस और नो? यहां पर आपका MOM खत्म हो जाता है। कौन पर्सन था उस मीटिंग में प्रेजेंट? ऑब्वियसली दैट पर्सन हैज टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, हाँ या ना? अटेंडीज में अपन ने ऊपर स्वाति मैडम का नाम लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है? एजेंडा में भी लिखा हुआ है। जो अंदर प्रेजेंट था उन्हीं में से एक पर्सन ने मीटिंग प्रिपेयर किया हुआ है, MOM प्रिपेयर किया हुआ है। तो ये हमारा क्लोजर रहेगा, प्रिपेयर्ड बाय, उसके ऊपर मिस स्वाति सिंह कॉमा डाल के सेक्रेटरी लिख दिया तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, डेजिग्नेशन लिखा हमेशा बेटर ही रहता है। समझ में आया सबको? ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिस स्वाति सिंह इज प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट मिनट्स ऑफ मीटिंग फॉर द सेम मीटिंग, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए फटाफट लिखेंगे हम लोग, नॉट मोर देन 4 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स, मैक्सिमम 4 मिनट्स, उससे ज्यादा टाइम लगने का काम बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपका डेट, फिर प्लेस, टाइम, पीपल प्रेजेंट, एजेंडा या ऑब्जेक्टिव फॉर द मीटिंग, एजेंडा लिख देंगे ज्यादा बेटर है। फिर पूरा का पूरा बॉडी आएगा जिसमें कौन से पर्सन ने क्या क्या बात किया हुआ है, क्या सॉल्यूशंस दिए गए, क्या ओपिनियन दिया गया, कौन सा प्रॉब्लम किस पर्सन द्वारा हाईलाइट किया गया, क्वेश्चन आंसर सेशन हेल्ड किया गया, वोट ऑफ थैंक्स दिया गया, एक्शन टेकन रिपोर्ट का डेट फाइनलाइज किया गया, प्रेजेंटेड बाय सो एंड सो, फिनिश।
4 minutes, not more than that. जितने भी हमारे स्पीकर्स है उनके बारे में एक एक सेंटेंस लिखना है कि दिस पर्सन डिस्कस द टॉपिक ऑफ द करंट सिलेबस स्टेटस, फिर सो एंड सो पर्सन डिस्कस द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द अदर यूनिवर्सिटी, या क्या नए एडिशंस हुए अभी इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी और इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश. एक एक सेंटेंस लिखना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि उन्होंने पूरा क्या बात बोला था क्या नहीं, सिर्फ एक एक सेंटेंस लिखना है उसके अंदर. इसलिए मैंने फॉर्मेट में लिखा है वन सेंटेंस ईच, नॉट मोर देन दैट. 4 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. चलिए खत्म हुआ है सबका. एक और टॉपिक हम लोग आज ट्राई करेंगे, राइट. बहुत सिंपल टॉपिक है, ध्यान देंगे यहां पर सब लोग. लाइव स्ट्रीमिंग एवरीवन ओवर हियर, प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ मीटिंग. 2 मिनट जरा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिसाइडेड बाय, मतलब कौन था मेन पर्सन मीटिंग में, प्रिसाइडेड बाय चेयरमैन ऑफ HKU प्राइवेट लिमिटेड एंड FMCG कंपनी, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स. मालूम रहेंगे तुमको, मालूम है क्या नहीं मालूम है? कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं है. द मेन एजेंडा ऑफ द मीटिंग वॉज, यहां पर एजेंडा दिया हुआ है पहले से ही. मीटिंग हुआ है HKU कंपनी प्राइवेट लिमिटेड प्रिसाइडेड बाय द चेयरमैन. एजेंडा वॉज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ये हमारा मेन एजेंडा है. एक, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट मतलब कंपनी नया प्रोडक्ट लेके आ रही है. अभी तक कंपनी बिस्किट वगैरह बेच रही थी, अभी कंपनी बोलती है कि नाचोस वगैरह भी बेचने का अपने को, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का है. ये समझ में आ रहा है क्या? ये एक एजेंडा है. दूसरा, फिक्सिंग अ कॉस्ट, प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कितना खर्चा होने वाला है. डिस्कसिंग द सेल्स एंड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज, ध्यान देंगे यहां पे. बहुत सारी चीजें आंसर क्वेश्चन में ही दी गई है. एग्जाम हॉल में योर क्वेश्चन पेपर इज योर बेस्ट फ्रेंड, हमेशा ये याद रखेंगे. मीटिंग हो रहा है एक कंपनी में, कंपनी FMCG प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है. कंपनी में मीटिंग हो रहा है ऑन द टॉपिक ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, मतलब हमारा रिसर्च टीम रहेगा वहां पर, येस और नो, समझ रहे? नया प्रोडक्ट ला रहे हैं मार्केट में तो रिसर्च टीम चाहिए क्या नहीं चाहिए अपने को? अपने को पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग निकालने का है, वो क्या क्या बात करने वाले वो निकालने का है. तो वो कहां से ढूंढना है? क्वेश्चन में से ढूंढना है, ऑब्वियस सी बात है, येस और नो. तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं, हम लोग वो क्वेश्चन में से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. फिर फिक्सिंग अ कॉस्ट, हमारी फाइनेंस टीम रहनी चाहिए, येस और नो. जो बजट डिसाइड करने वाली है, बजट अलॉट करने वाली है, सिंपल बात है क्या नहीं है? डिस्कसिंग द सेल्स मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, तो सेल्स टीम होनी जरूरी है क्या नहीं है? सेल्स के हेड वगैरह होने जरूरी है. मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ऑलमोस्ट द सेम थिंग, तो हमारी मार्केटिंग एजेंसीज या मार्केटिंग टीम या उसके हेड्स या वो डिपार्टमेंट के लोग वहां पर होने जरूरी है क्या नहीं है? सैंक्शन करने के लिए हमारा चेयरपर्सन जरूरी है क्या नहीं है? सिंपल बात है क्या नहीं? उसकी सेक्रेटरी रहेंगी क्या नहीं मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने के लिए? मीटिंग हो चुका है, उसके अंदर बातें हो चुकी है. अभी हम लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो उससे पहले हमको अलग अलग चीजों के डेडलाइंस बनाने पड़ेंगे क्या नहीं बनाने पड़ेंगे? फिर ATR लेना पड़ेगा क्या नहीं लेना पड़ेगा? 3-4 ही मुद्दे हैं, क्वेश्चन के अंदर ही दिए गए हैं. कुछ नया क्रिएशन करना है क्या नहीं करना है? टॉपिक्स दिए गए हैं, जो एजेंडा है वो टॉपिक्स ही बता रहे कि उन टॉपिक्स के ऊपर बात कौन करने वाला है. बात हो चुकी है, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर मिनट्स ऑफ मीटिंग. द रिसर्च टीम इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट, इट्स स्पेशल फीचर्स स्पेसिफिकेशंस. नई टीम आकर बताएंगे भाई ये नया प्रोडक्ट है, ये लॉन्च करना है हमको, ये बनाने जा रहे हैं हम, या ये बनाना है हमको, इसमें ये फीचर्स आने वाले हैं कि बाबा ये नया फोन है, इसका स्पीड, इसका रैम, रोम, कैमरा वगैरह, ये सब वो बताने वाले हैं. रिसर्च टीम करेगी क्या नहीं करेगी ये? उसके बाद फिर फिक्सिंग अ कॉस्ट, तो फिर फाइनेंस टीम आएगी, वो बताएगी कि यस हम लोग इसका फाइनेंस, इसका कॉस्टिंग इतना रुपए करने वाले हैं, इतना बजट अलॉट करने वाले हैं. वी आर अरेंजिंग या वी आर अलॉटिंग अ बजट ऑफ 100 rupees फॉर दिस न्यू प्रोडक्ट, फॉर द लॉन्च ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट. फिर हमारी सेल्स टीम आने वाली है, वो बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करेंगे उसका,
हम लोग सेल्स इस एरिया से स्टार्ट करें। अभी ये वर्ड नहीं लिखने के अपने को, मैं बता रहा हूँ कि बात क्या करते हैं। तो सेल्स टीम आकर बात करता है कि हाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द सेल्स स्ट्रेटेजी, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा रहने वाला है। फिर मार्केटिंग टीम आता है कि हमारा इस थीम के ऊपर हम लोग मार्केटिंग बनाने वाले हैं, हम लोग ब्रांडिंग या एडवर्टाइजिंग करने वाले हैं। फिर डायरेक्टर बात करता है कि किसी के कुछ सजेशंस है क्या, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेता है। फिर वोट ऑफ थैंक्स सेक्रेटरी देती है। डेडलाइंस डिसाइड करते हैं कि बाबा इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स वी आर गोइंग टू लॉन्च द प्रोडक्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय इन 1 मंथ या 30 डेज 20 डेज 45 डेज, बड़ा काम है तो 15-20 दिन महीना भर लगने वाला है उसके लिए। सिंपल मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर हो जाएगा। आपके 3 या 4 से ज्यादा स्पीकर्स है ही नहीं उसके अंदर, तो ज्यादा लिखने का है क्या? जो काम इन्वॉल्व है यहां पर दिया गया है कि आपका एजेंडा क्या है, दैट एजेंडा इज क्लियरली टेलिंग यू कि हु द स्पीकर्स आर गोइंग टू बी एंड व्हाट दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अपना क्वेश्चन पढ़कर काम आसान हो गया है, समझ में आया है सबको? ट्राई कर सकते हैं। चलिए वी हैव जस्ट 5 मिनट्स, उसी में ये कंप्लीट भी होना चाहिए। जैसे मार्केटिंग टीम हैज गिवन अस अ न्यू स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द प्रोडक्ट, सेल्स टीम ने अपना सेल्स का सेटअप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वगैरह का पूरा अपडेट दिया, फिर जो भी अकाउंट्स टीम था या फाइनेंस टीम था उन्होंने रिसर्च टीम के साथ मिलकर कॉस्ट शीट प्रेजेंट किया, या रिसर्च टीम ने या चेयरमैन ने ही नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया कि ये दिस इज सो एंड सो प्रोडक्ट विद सो मेनी न्यू स्पेसिफिकेशंस। सिंपल एकदम, इतना ही बात करना है, ज्यादा बात करना नहीं है, फॉर्मेट भूलना नहीं है। सबसे पहले डेट, उसके बाद लोकेशन, टाइम, पीपल प्रेजेंट, एजेंडा। एजेंडा क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, ये आपका एजेंडा है। और फिर उसके बाद आपके मिनट्स, किसने क्या क्या बातें की। द चेयरमैन इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट टू द एंटायर टीम एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द फीचर्स। एजेंडा इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, सिंपल। फिर स्टार्ट करेंगे तो चेयरमैन इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट टू द एंटायर टीम की, टीम हम लोग ये नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, हो सकता है चेयरमैन बताए वो चीज, क्वाइट पॉसिबल। रिसर्च टीम बताए, ये भी पॉसिबल है। चेयरमैन ने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, ध्यान देंगे यहां पे, चेयरमैन इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट कि गाइस दिस इज द न्यू प्रोडक्ट, वी आर सपोज टू लॉन्च दिस इन द नेक्स्ट क्वार्टर। फिर रिसर्च टीम आता है, रिसर्च टीम ने डेमो दिया, स्पेसिफिकेशन बताए, नए फीचर्स बताए प्रोडक्ट के, एक सेंटेंस का 2 सेंटेंस हो गया क्या नहीं हो गया। फिर फाइनेंस टीम आया, उसने कॉस्ट शीट प्रेजेंट किया कि इतना बजट लगने वाला है ये प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद सेल्स टीम आता है, सेल्स ने अपना स्ट्रैटेजी बताया कि हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस तरीके से सेट करने वाले हैं, ये पीरियड में सेल्स ज्यादा होने की संभावना है तो उस टाइम पर लॉन्च करने वाले। मार्केटिंग और कौन सी टीम है दूसरा, एडवर्टाइजिंग टीम है, उनने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बताया हमें, उन्होंने बताया कि हम इस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए हमें 2 महीना चाहिए, 15 दिन चाहिए, 1 महीना चाहिए। फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लिया हमारे डायरेक्टर ने, उसके बाद डेडलाइंस डिसाइड किया गया, एक्शन टेकन रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय सो एंड सो डेट, खत्म। यही बात 4 या 5 सेंटेंस है हार्डली, एवढंच लिहायचं आहे आपल्याला। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। आज 2 मिनट्स ऑफ मीटिंग हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं, फॉर्मेट एकदम सिंपल था। आई विल रिपीट अगेन, आप स्टार्ट करोगे विद द डेट ऑफ द मीटिंग, विद द टाइम, प्लेस, लोकेशन जो भी है वो डिटेल्स, उसके बाद पीपल प्रेजेंट, उसके बाद एजेंडा ऑफ द मीटिंग। फिर हमने जो भी एजेंडा के अंदर जो जो स्पीकर डिसाइड किए थे, उन्होंने कौन से मुद्दे पे बात करना था, वही डिटेल्स हम लोग यहाँ पर एक एक सेंटेंस अबाउट वन स्पीकर, उसने क्या बात किया था, क्या ओपिनियन रखा था, कौन सा प्रॉब्लम हाईलाइट किया था, क्या सजेशन दिया था, क्या डेडलाइन रखा था, वो एक एक स्पीकर का एक एक सेंटेंस रखेंगे हम लोग, नॉट मोर देन दैट। देन वी कैन एंड द मिनट्स बाय गिविंग एन इनपुट अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, वोट ऑफ थैंक्स, और फिर एक्शन रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय सो एंड सो डेट। यहाँ पर हमारा कंटेंट खत्म होता है, उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर्ड बाय लिखना है, तो प्रिपेयर्ड बाय सो एंड सो पर्सन उसका डेजिग्नेशन, यहाँ पर हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग खत्म होता है। एज डिस्कस्ड मीटिंग, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल के सेशन में, हम लोग ने जब इंट्रोडक्शन लिया था, तो मीटिंग में 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एक एजेंडा, दैट इज प्री मीटिंग, मीटिंग होने से पहले कि मीटिंग किस मुद्दे पर करेंगे।
फिर मीटिंग होने के बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग की मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट विच टेल्स अस कि एज पर डिस्कस्ड इन द मीटिंग कौन से स्टेप्स, कौन से चीजें डिसाइड की थी, उनमें कौन से डायरेक्शन में कहां तक काम किया गया है, एक्शन टेकन रिपोर्ट। वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट सेशन। यहां पर हमारा मीटिंग फिर कल के सेशन में खत्म विथ प्रैक्टिस विथ क्रिस्टल क्लैरिटी खत्म हो जाएगा। यस, थैंक यू सो मच।